सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। LG ने आज अपना एक और डिवाइस लॉन्च कर दिया है LG Q Stylus Plus के नाम से। जी हाँ, तो बात करते हैं इसी पे कि LG क्या दे रही है, क्योंकि यहाँ जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि LG हमें क्या दे रही है और क्या इसके स्पेसिफिकेशन है LG Q Stylus Plus के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले में हमें देखने को मिलता है 6.2 इंच का 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले। और OS की बात करें तो यहाँ पर Android 8.1 Oreo आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि Android 9 Pie जल्दी अपडेट होने वाला है इसके अंदर में। यहाँ पर अगर चिपसेट की बात करें तो यहाँ MediaTek का हमें MT6750S देखने को मिलता है, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर आप बोल सकते हैं। मेमोरी की बात करें तो 4GB 64GB एक ही वेरिएंट आपको देखने को यहाँ मिलेगा, जो कि माइक्रो SD की मदद से आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा आपको देखने को मिलेगा और सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल आपको यहां देखने को मिलेगी LG Q Stylus Plus में। बैटरी की बात करें तो 3300mAh की बैटरी हमें यहां देखने को मिलती है, 3300mAh की बैटरी। और यहां पर चार्जर जो आपको मिलता है वो USB-C टाइप चार्जर आपको देखने को मिलेगा। सिम की बात करें तो आप यहां पे 2 सिम नैनो लगा सकते हैं, जो कि दोनों 4G वोल्टी सपोर्टेड है। दोस्तों, जो LG ने जो यहाँ प्राइस रखा है LG Q Stylus Plus का, वो 21,999 रुपया रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही बोलूंगा कि प्लीज ये डिवाइस आप बाय मत करें। और यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है 21,999 में, तो आपको और किसी अच्छे कंपनी के बढ़िया डिवाइस मिल जाएंगे। आप Vivo V11 Pro ले सकते हैं अगर आप 2-3 हजार और रुपए ज्यादा डालेंगे तो मेरे हिसाब से मैं तो बोलूंगा कि प्लीज स्किप LG Q Stylus Plus। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको ज्यादा कुछ मिलता नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि LG कर क्या रहा है। जी हाँ, LG क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने डिवाइसेस तो लॉन्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलता है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ LG हमें ये दे रहा है 21,999 में। दूसरे डिवाइसेस के लिए जरूर जाए और प्लीज LG Q Stylus Plus को स्किप कर दें। तो बस दोस्तों, मेरी राय जो LG Q Stylus Plus के बारे में यही थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं परितोष नथानी साइनिंग ऑफ।